मौलिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु एक भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER प्रस्तावित है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यद्यपि गुजरात बहुत आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी काफी अग्रणी है, जिसके दृष्टिगत प्रदेश में NDRI जैसे संस्थान स्थापित किया जाना आवश्यक है। इससे प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। तकनीकी संस्थान विद्यालयों की शिक्षा से उद्योगों के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मैन पावर की उपलब्धता कम हो पाती है। अतः प्रदेश में उद्यमिता रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्तर की उद्यमिता कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना भी आवश्यक है। इसमें केंद्र सरकार का सहयोग अपेक्षित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में 75 डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ इनोवेशन सेल की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के प्रदान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश में फलों सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना को बढ़ावा दिए जाने हेतु सहयोग मिले। यह प्रदेश किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ प्रदेश द्वारा लक्षित $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हो। भारत सरकार द्वारा संचालित सब संस्थानों को एक पॉलिसी के अंतर्गत यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि जिस प्रदेश में स्थापित है वह समस्याओं के उन्मूलन करने के लिए कम से कम 10 से 15% समय और प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार के सामंजस्य से स्थापित करते हुए कार्यान्वित करें। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर डिवाइस के क्षेत्र में रिसर्च एवं उद्योग की स्थापना में हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार हमें सहयोग करे। डिजिटल हेल्थ को भी बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार से प्रौद्योगिकी अभिव्यक्ति पोषण की अपेक्षा करो। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी शोध परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थान विश्वविद्यालय आदि पर दिए जाते हैं का वित्त पोषण एवं अनुश्रवण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से कराया जाना उचित होगा। ऐसा करना सेंटर स्टेट लिंकेज को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि हर विभाग क्या अम्ब्रेला बन सकता है, ये विभाग कृषि, पानी, मेडिकल, नगर विकास, प्राधिकरण, इस सब में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काफी प्रगति की है। यहां तक कि प्राधिकरणों की जमीन जो कुछ लोग कब्जा कर लेते थे या अवैध निर्माण होते हैं उसका भी इस टेक्नोलॉजी से उपयोग करके उनको चिन्हित करना और आवश्यकता ही कार्रवाई करना, ये इस विभाग के द्वारा संभव हो पा रहा है। प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में मैंने आपको बता ही चुका, पर्यटन उद्योग में हम सब जानते हैं कि अयोध्या की वास्तविकता को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, दुनिया के समक्ष आया, यह भी इसी विभाग ने उत्तर प्रदेश में किया। और पर्यटन के जो संभावित योजनाएं होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे आगरा में ताजमहल से लेकर कैलाश मंदिर, एक कैलाश ऐतिहासिक मंदिर है, ताजमहल एक लंबी यमुना किनारे है दोनों, और उस दोनों यमुना में स्थिति काफी गड़बड़ है, कहीं पर बहुत ज्यादा पानी है कहीं कम है, तो उसको सफाई के लिए और एक रूप बनाने के लिए स्टीमर से पर्यटन हो इसके लिए भी हमारा विभाग सर्वे कर रहा है और उसमें ASI से अनुमति चाहिए, क्योंकि जहां पर ऐतिहासिक स्थल होते हैं वहां ASI की अनुमति, तो उसमें भी केंद्र सरकार का से अनुरोध है कि वो अनुमति शीघ्र से शीघ्र मिल जाए जिससे यह कार्य विकसित हो सके। गडकरी जी की भी एक योजना थी कि दिल्ली से आगरा तक
स्टीमर चले, उसमें भी हमारा विभाग सहयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ प्राइवेट, जैसा कि आपने कहा था कि तलाशना है, नए लोगों को तलाशना फिर तलाशना, पहले तलाश करें हम फिर तलाशें। मैंने कुछ नए वैज्ञानिक जो लड़के थे, छात्र थे या निकले हुए थे, उनसे बात की और उनको कुछ चर्चा करके योजना बनाई। उसमें आगरा में एक बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है, जिसमें नागरिक सहभागिता विज्ञान है और विज्ञान में को नागरिक तक पहुंचाना, ये एक नवाचार प्रारंभ हुआ है, इसको जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी संज्ञान में आया है और उसे प्रशंसा मिली है। ऐसे ही एक अपने नई प्रतिभा ने एक ऐप बनाने की कोशिश की है और उसको उसने नाम दिया है स्वास्थ्य है सबसे महत्वपूर्ण, इसके बिना जीवन नहीं है संपूर्ण। और उसने वो जो मिड डे मील हम लोग देते हैं, हर छात्र का सर्वे हो जाएगा उसके माध्यम से कि इसको कौन सा मील चाहिए, मील में कौन सी स्पेसिफिक, एक जनरल मील दे दिया सबको लेकिन उसके शरीर के लिए कौन सा उपयुक्त है वो उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे और वही चीज उस छात्र को मिले या बच्चे को मिले जिससे उसका डेवलपमेंट उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो। ये डेवलप कर रहे हैं, इसमें सरकार की भूमिका तय करेंगे, लेकिन अभी मैं अलग रूप से इस एक टीम को इकट्ठा करके काम कर रहा हूं। नागरिक सहभागिता विज्ञान में और विज्ञान में नागरिक की सहभागिता, हमने आर्गमडीज का सिद्धांत पढ़ा था और समय रटते थे, जब कोई वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है और ये कमी उसके हटाई हुए द्रव के बराबर होती है। समझ में नहीं आता लेकिन रटते थे, लेकिन इसको साधारण ढंग से कैसे आम आदमी तक पहुंचा दिया जाए, ऐसे कुछ उदाहरण के तौर पर इसी सिद्धांत को, अगर जो गांव का आदमी भी कुएं से बाल्टी खींचता है तो जब तक बाल्टी डूबी रहती है पानी के अंदर तब तक खटाखट जल्दी से खींचता है, हल्की प्रतीत होती है और जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसको जोर लगाना पड़ता है कि भारी, उसको समझा दिया जाए कि जब पानी में डूबा गया तो उसके भार में कमी आई थी तब जल्दी खींच रहे थे, जब ऊपर आ गए तो भारी हो गया, अपना असली वेट आ गया। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों से जो मानव जीवन के अंदर है विज्ञान समझाती है या विज्ञान को मानव से जोड़ती, ऐसे भी उदाहरण इकट्ठे करके उनको भी जनता तक पहुंचाना, नागरिक सहभागिता करना, इसको एक योजना बना रहे हैं और उसमें सरकार की कैसे भूमिका होगी, प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की, ये सब करेंगे आगे। ये उत्तर प्रदेश की प्रगति है और हमारी अपेक्षा है, मैंने आपको बताई। हम अभी हमारे दो मित्र अभी अपना इंट्रोडक्शन रखेंगे, थोड़ा समय का विलंब है क्योंकि शुरू ही। जाहिदा जी, सकलेचा जी, अशोक पांडा जी, रेखा जी, उमेश जी, उपस्थित सभी बंधुओं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से, और वैरायटी है यहां पर मानव में भी और भूगोल में भी, इसलिए बड़ा टिपिकल और क्रिटिकल प्रदेश है ये। और जैसा डॉक्टर जितेंद्र जी ने बताया शुरू में कि विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी ये कुछ महत्वहीन समझा जाता रहा अभी तक, ना तो यहाँ के मंत्री या सेक्रेटरी इसको इम्पोर्टेंट समझते थे, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश का भी था। यहां तक हुआ जितेंद्र जी भाई साहब कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मुख्य सचिव महोदय ने सब विभागों का प्रेजेंटेशन कराया तो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भूली गई, इतना अत्याचार भी हुआ इस डिपार्टमेंट के साथ। खैर, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, हर विभाग को आच्छादित कर सकता है अपने फल से, अम्ब्रेला बन सकता है हर डिपार्टमेंट का। मैं दो भागों में बात करूंगा कि अब तक उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और हम आगे क्या सोच रहे हैं और केंद्र से हमें क्या अपेक्षा है। असीम संभावना का प्रदेश है हमारा प्रदेश, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में, कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन एवं फल व सब्जियों के उत्पादन में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इसमें मदद ली है, उसे देश में प्रथम स्थान पर आया। इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही उसमें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए जो इस विभाग का उपयोग किया, पूरे देश ने किया कोविड-19 और कोविड वैश्विक महामारी में, उस पर पूरा प्रदेश ने एक मिसाल कायम की। देश के अंदर स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज और वहां की आवश्यकता अनुसार, इसके लिए हमारे विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ये योजना योगी जी की चल रही है। $5 trillion इकोनॉमी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, इनका लक्ष्य है, उसको पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश 1 trillion इकोनॉमी को बनाने में अपने विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर ले रहा है। अभी लगभग 60,000 crore के जो इन्वेस्टर्स आए हैं यूपी के अंदर, उसमें 27,000 crore के हमारे विभाग के से संबंधित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार तंत्र को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान के संचालित है यहां पर, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ये जो उत्तर प्रदेश में विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 2 AIIMS, 2 IIT, 2 IIM, 1 NIPER सहित लगभग 11 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस संचालित किए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार स्तरीय प्रख्यात संस्थान संचालित हैं उत्तर प्रदेश में।